ओम शांति। 7/11/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे मनुष्य जो बाप को भूल दुबन दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न: गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर: गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है, इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दूभन दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। दूसरा, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान: सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। स्लोगन: सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ओम शांति। आप दृष्टि जाऊं। आप दृष्टि।